अब तक की सबसे भयानक गर्मी पड़ रही है। इस वर्ष गर्मी ने जहां कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, वहीं अब गंभीरता से वृक्षारोपण की जरूरत पर भी चर्चा शुरू हो गई है। इसी कड़ी में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए पूर्व पुलिस अधिकारी व सामाजिक संस्था पीएस फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रदीप शर्मा भी आगे आए हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में उन्होंने अपनी संस्था की ओर से वृक्षारोपण सेवा सप्ताह का आयोजन किया है। इस अभियान के तहत उनकी संस्था के स्वयंसेवक पूरे सप्ताह जगह जगह वृक्षारोपण कर रहे हैं। इस कार्य में अपने स्वयंसेवकों का साथ देते हुए और आम लोगों को भी वृक्षारोपण के प्रति जागरूक करने के लिए प्रदीप शर्मा व उनकी पत्नी स्वीकृति शर्मा बीते रविवार भी वृक्षारोपण अभियान में शामिल हुए। और आज जो स्थिति चल रही है कि झाड़ कम होते जा रहे हैं, पर्यावरण के ऊपर बहुत इसका असर पड़ रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है, इसलिए माननीय प्रदीप शर्मा जी के द्वारा एक मुहिम चला जा रहा है कि सब जगह झाड़ लगा के पर्यावरण को बचाने का काम किया जा रहा है। आजकल जैसे सब देख रहे हैं कि पेड़ काटे जा रहे हैं, लोगों को इससे काफ़ी नुकसान हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो ये जैसा प्रदीप शर्मा फाउंडेशन कर रहा है वैसा हर किसी ने करना चाहिए। भाई वातावरण चेंज हो रहा है, झाड़ लगाने से बहुत गर्मियाँ हो रही हैं, बहुत परेशानी हो रही है लोगों को, ऑक्सीजन का कमी हो रही है, इसके लिए पीएस फाउंडेशन की तरफ से झाड़ लगाया जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, यही ज़रूरत थी और हर लोग यही करना चाहते हैं। मैं बोल रहा हूँ सबको कि हर एक जगह जाते समय एक पेड़ लेके जाओ। आज जो दिन है, आज पूरा प्रदीप शर्मा परिवार और प्रदीप शर्मा जी ने हम सबके साथ में जो पेड़ लगाने का फैसला लिया है, ये चीज़ में जो सर ने शुरू की है उसमें आप अपना योगदान दीजिए। गोरेगांवपुर के आर्य कॉलोनी स्थित कोम्बटपाड़ा में रविवार की सुबह अपने कई स्वयंसेवकों संग वृक्षारोपण की शुरुआत उन्होंने नारियल के पौधे से की। इसके बाद एक एक कर उनकी संस्था के स्वयंसेवकों ने भी अपने साथ लाए छोटे छोटे पौधों का रोपण कर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। 5 तारीख जागतिक पर्यावरण दिवस आहे आणि या वेळेला भरपूर उष्णता वाढली आहे आणि आम्ही ते कमी करण्यासाठी झाडं लावायचा कार्यक्रम ठेवला आहे फाउंडेशन तर्फे। मन बहुत ही बढ़ गया है, ऑक्सीजन की तकलीफ हो रही है, तो हम लोग पेड़ लगाएंगे तो हमको ऑक्सीजन मिलेगा। एसी लगाने से अच्छा आप लोग पेड़ लगाए तो अच्छा रहेगा। वृक्षारोपण करके बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आज का युग विज्ञान का युग है, उसमें प्रदूषण बहुत होता है, ऑक्सीजन की कमतरता होती है, तो पेड़ लगाने से सबको ऑक्सीजन मिलेगा, ठंडे हवा मिलेगी, फ्रेश हवा मिलती है, वो अपने शरीर के लिए बहुत अच्छी रहती है। पेड़ लगाएंगे तो हमको ही सेफ्टी मिलेगी और आगे चल के हमारे बच्चों को अच्छा मिलेगा। पर्यावरण दिवस आज साजरा करते हैं पीएस फाउंडेशन तर्फे, तर प्रदीप शर्मा सरांचं खूप खूप आम्ही आभारी आहोत की त्यांनी आम्हाला इथे येण्यासाठी बोलवल्याबद्दल। सब लोग आके यहाँ पे पौधा लगाए, सबको खुशी है, सबको बहुत इंटरेस्ट आया है सब ये करने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है, सब मिलके अच्छे से खुशी खुशी पेड़ लगाए हैं, सर ने कहा है तो सब जन खुशी खुशी आके पेड़ लगाए और अलग अलग पेड़ लगाए, सबको बहुत अच्छा लग रहा है। खूब छान वाटते हैं, आज आम्ही वृक्षारोपण दिन साजरा केल्याबद्दल धन्यवाद प्रदीप शर्मा साहेबांचे। इस अवसर पर प्रदीप शर्मा ने वृक्षारोपण अभियान में संस्था का सहयोग करने वाले कोम्बटपाड़ा के स्थानीय लोगों का शॉल, श्रीफल और पुष्पगुच्छ देकर सम्मान भी किया। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस वृक्षारोपण अभियान के बारे में प्रदीप शर्मा ने कहा कि पूरा देश 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाता है, हम इसे सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। हमने आज यहाँ 150 से अधिक पेड़ लगाकर प्रदूषण को कम करने की दिशा में अपना एक प्रयास किया है। पूरे विश्व में पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, हम लोग आज 8 तारीख है, हम लोग पर्यावरण सप्ताह मना रहे हैं, जगह जगह जाके पेड़ लगा रहे हैं। जैसे अब कोम्बटपाड़ा है यहाँ आर्य कॉलोनी में, यहाँ हम लोगों ने करीब आज 150 से 200 पेड़ लगा रहे हैं। पोल्यूशन कम होता है, लाखों लोगों को पर्यावरण दिवस इकट्ठा करता है, देश प्रेम की भावना जगाता है और आने वाली पीढ़ी को विकसित करने के लिए एक हम लोग पीएस फाउंडेशन की तरफ से अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं कि जगह जगह पेड़ लगाए जाएँ, जो नई बिल्डिंग आती हैं उसके आसपास पेड़ लगाए जाएँ, जिससे फ्री ऑक्सीजन मिले, अच्छी ऑक्सीजन मिले यहाँ के रहवासियों को। एक सिंबॉलिक न्यू समझते हैं कि आज पेड़ लगाया तो 10 साल बाद वो बड़ा होगा। इसी तरह यहाँ के युवाओं को अच्छी शिक्षा मिलती है, अच्छी दिशा मिलती है। हम लोग देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का ज़माना आ गया है, जब ठंड होती है तो बारिश पड़ती है, जब बारिश का सीज़न होता है तो बारिश नहीं पड़ती है, उसको ही ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में भी अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं तो फ़र्क पड़ेगा।
साथ ही पेस फाउंडेशन की महिला स्वावलंबन समिति की अध्यक्षा स्वीकृति शर्मा ने इस मौके पर अपनी संस्था के उन स्वयंसेवकों का भी आभार व्यक्त किया जो पर्यावरण को बचाने के लिए उनके संग इस वृक्षारोपण अभियान में शामिल हुए थे। सबसे पहले तो हमारे जितने सुबह सुबह हमारे जितने भी पीएस के परिवार आया है उनको धन्यवाद दूंगी कि हमारा वो साथ दे रहे हैं आज पर्यावरण को बचाने के लिए। एक छोटा सा योगदान है इस पर्यावरण को बचाने के लिए। मैं सभी से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करूंगी, आपके माध्यम से ये बोलना चाहती हूं कि कोशिश करिए कि साल में जब आपके जन्मदिन आता है, एनिवर्सरी आती है, कोशिश करिए कि हर एक किसी भी त्यौहार पर दो दो कम से कम पौधे लगाएं, या फिर कहीं आप किसी के घर जा रहे हैं उसको गिफ्ट देने की बजाय पौधा गिफ्ट करें। तो हमारे एक जो ये अवेयरनेस है इसके थ्रू हम आपके माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं कि सभी इस चीज़ में हमारा सहयोग दें और आप इस पर्यावरण को बचाएं। संजय दुबे के साथ मैं विनोद दादा, सुर्खियां न्यूज़, मुंबई।